मुफ्त ज्ञान गुरु जी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मुफ्त है, सब्सक्राइब कर लें और घंटा दबा लें ताकि ऐसी वीडियो मिस ना कर पाए। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर आप भीगे चने रोजाना सुबह खाली पेट खाते हैं तो आपको 9 क्या क्या चमत्कारी फायदे होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मांस से भी 10 गुना ज्यादा ताकतवर होते हैं ये काले चने, ये आपको अभी इस वीडियो में पता चलने वाला है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की जानकारियाँ मिलती रहेगी। तो दोस्तों, पहली चीज, भीगे चने ताकत और एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है। रेगुलर खाने से आपके शरीर की कमजोरी दूर होती है। दूसरी चीज, भीगे हुए चने में ढेर सारे फाइबर्स होते हैं, ये पेट को साफ करते हैं और डाइजेशन को बेहतर बनाते हैं। तीसरी चीज, सुबह एक चम्मच शक्कर के साथ सुबह मुट्ठी भर भीगे हुए चने खाने से स्पर्म काउंट बढ़ता है। चौथी चीज, भीगे चने के साथ साथ गुड़ खाने से बार बार यूरिन जाने की समस्या दूर हो जाती है और पाइल से भी निजात मिलता है, बवासीर से भी राहत मिलता है। पांचवी चीज, भीगे चने बॉडी मास बनाने में भी मदद करता है। अगर आप बॉडी बना रहे हैं तो आपको रेगुलर चने का सेवन जरूर करना चाहिए, इससे आपका वजन भी बढ़ता है और मसल्स मजबूत बनते हैं। छठी चीज, चने में फास्फोरस होता है जो हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ाता है और किडनी से एक्स्ट्रा सॉल्ट निकाल देता है। सातवीं चीज, चना कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, इससे हार्ट डिजीज का खतरा कम हो जाता है और दिल स्वस्थ रहता है। आठवीं चीज, भीगे चना खाने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है, शुगर कंट्रोल में रहती है और डायबिटीज से बचाव होता है। नौवीं चीज, चने आयरन का बहुत ही अच्छा सोर्स होता है और ये खून की कमी को दूर कर देता है, साथ ही ब्लड को साफ कर देता है। तो दोस्तों, देखा आपने, हमने आपको यहाँ पर 9 चने खाने के ज़बरदस्त फायदे के बारे में बताया। अगर आप चना रोज सुबह खाते हैं तो आपको इतने सारे फायदे मिलने वाले हैं। आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।